अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर न्यू है काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर आज मैं काशीस के ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल्स में से एक हेयर स्टाइल बनाकर दिखाऊँगी आपको, वो बनाना सिखाऊँगी। बहुत ही सिंपल है, ईजी है, और ये हेयर स्टाइल आप मेहंदी फंक्शन में बना सकते हैं, और लहंगा के साथ और मैक्सीज के साथ भी ये हेयर स्टाइल जा सकता है। इस हेयर स्टाइल में ज़्यादा हैवी जो है, बहुत हाइट में जो बैक कॉमिंग होती है वो हमें नहीं चाहिए। हम एक सॉफ्ट लुक क्रिएट करनी है, सो एक सॉफ्ट लुक क्रिएट करने के लिए बैक कॉमिंग भी हमें सॉफ्ट ही रखनी पड़ेगी। यहाँ पर मैंने क्राउन सेक्शन निकाल कर बैक कॉमिंग करना शुरू की थी। इसको अच्छे से नीट करना है आपने, और बैक कॉमिंग अच्छे वे में, जो बैक कॉमिंग करने का मेथड है वो हमेशा बैक कॉमिंग रूट्स में होती है। जो बैक कॉमिंग आप रूट्स में नहीं करेंगे, ऊपर के बालों में रहेगी, वो कभी भी हाइट क्रिएट नहीं करेगी, हार्ड नहीं बनेगी, उसकी जो एक लेयर होती है वो क्रिएट कभी भी नहीं होगी। सो इसके लिए आपको अच्छे तरीके से बैक कॉमिंग करनी है, और बैक कॉमिंग का अच्छा तरीका यही है कि आप लेंथ से रूट में बैक कॉमिंग करके बाल लेकर आएँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से सारे बालों को कवर कर रही हूँ। फ्रंट को अभी मैंने रफली कवर किया है, जस्ट मेरा पर्पज़ था बैक से आपको हेयर स्टाइल शो करूँ कैसे क्रिएट किया जा सकता है। यहाँ पर मैं साइड के हेयर्स को भी पिन अप कर रही हूँ, थोड़ा सा ट्विस्ट देकर बालों को मैंने यहाँ पर पिन लगा दी थी, और ऐसे ही मैंने दूसरी साइड से बालों को कवर करके पिन लगा दी। यहाँ आप थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं और कोई फैंसी फ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर। तो यहाँ अब मैं बालों को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था, जैसे हम नॉर्मल ब्रेड बनाते हैं तो तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऐसे टोटल हेयर्स को तीन पार्ट में डिवाइड करूँगी। और फिर उसकी फ्रंच जो टेल है वो मैं बनाऊंगी, जिसे खजूरी चुटिया भी कहते हैं, और ये मैं बनाऊंगी तीनों पार्ट्स के लैदा लैदा से। मैं ऐसे ही सेक्शन निकाल कर बनाऊंगी, और फिर आगे देखिएगा कि इसको हम कैसे आपस में अटैच करेंगे। यहाँ पर अच्छे से ब्रेड बना रही हूँ। ब्रेड आपने बहुत टाइट नहीं बनानी, लूज़ बनाएंगे, और बाद में इसको मज़ीद हम लूज़ करेंगे ताकि बालों में एक वॉल्यूम आ सके। यहाँ पर एक बात मेंशन करती चलूँ कि मोस्टली जो क्लाइंट्स के हेयर या नेचुरल हेयर्स हमारे होते हैं, सम टाइम ऐसे होता है कि उनमें वॉल्यूम नहीं होता, तो वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए हमें हेयर्स को क्रिम करना पड़ता है। तो ये डिमी थी मेरे पास, डिमी के बाल ऑलरेडी थोड़े से रफ़ थे और थोड़े से फ्रीजी लुक क्रिएट कर रहे थे, सो मैंने इनको क्रिम्प नहीं किया था। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको प्रॉपर क्रिम्पिंग के साथ हेयर स्टाइल बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने टू पार्ट्स को ब्रेड में कन्वर्ट कर लिया हुआ है, अभी मेरे पास एक पार्ट बाकी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अच्छे से इसको नीट करेंगे, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हैंडमेड सारा हेयर स्टाइल है, इजी टू कैरी है, बहुत कंफर्टेबल है। जो चाहती हैं कि उनके हेयर्स ओपन नहीं हो, तो कवर हेयर्स में आप इस तरह का हेयर स्टाइल बना सकती हैं। यहाँ भी अच्छे तरीके से ब्रेड बनाऊंगी और इसको लूज़ करूँगी, जैसे बाकी दो पार्ट्स को मैंने किया है। यहाँ आप तीनों पार्ट्स को जब आपस में अटैच करेंगे, तो यहाँ पर हम इनविजिबल पिन का भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि ब्रेड आपकी एक जगह से दूसरी जगह हिले नहीं, मूव नहीं करे। अच्छे तरीके से इसको कवर करेंगे। ये जो हमारे ब्रेड है, इसमें हम फैंसी एक्सेसरीज यूज़ कर सकते हैं, जैसे छोटी छोटी बटरफ्लाइज हैं वो यूज़ कर सकते हैं, बीड्स यूज़ कर सकते हैं, स्टोन, वट एवर यू लाइक, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप। और ये जो एंडिंग पॉइंट है जहाँ से मैं इसको कवर कर रही हूँ हेयर्स के साथ, यहाँ भी आप कोई जो बीड्स आप यूज़ करेंगे या फिर छोटी बटरफ्लाई यूज़ करेंगे, यहाँ भी एक आप लगाकर इसको इनविजिबल कर सकते हैं। देखिए कैसे मैं हैंड से इनको लूज़ कर रही हूँ। लूज़ करने से ये होगा थोड़ा वॉल्यूमाइज हेयर लगेंगे,
डिमी के हेयर्स चूँकि आपको पता है छोटे थे, तो इसी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में ज़रूर ऐसा हेयर स्टाइल दोबारा ओरिजिनल हेयर्स पे बनाना सिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और इसको लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये हमारी फाइनल लुक है, फ्रंट को मैंने कवर नहीं किया, यहाँ मैं आपको अगेन मेंशन कर रही हूँ। तो आप इजाज़त दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।